So today we are going to start with our assignment related to topic chemical reactions and equations. Okay, this is chapter number 1 of NCERT. So today we are going to start this. Now, first of all, will be the very short answers. जिसको आपने मुझे one sentence या one word में आप answer कर सकते हो. Now, why is respiration considered as exothermic process? Yes. आप इसको exothermic reaction कैसे बोल सकते हो? Respiration को. Yes, बेटा. Exothermic का क्या मतलब होता है बेटा? Exothermic means when there is release of energy. Yes, exo means yes out and thermic means energy. Okay, हम heat लेते हैं वैसे thermal. So heat is actually your form of energy. So it is exo means out and thermic means heat. So there is heat generation. So that is why respiration को हम वो पूछ रहे हैं हमसे कि हम इसको क्यों करते हैं? Because respiration whenever it undergoes a change along with release of energy. Yes, ATP की form में energy बनती है. So whenever respiration is taking place, ATPs are formed and ATPs are basically your energy currency. So that is why respiration is considered as exothermic reaction. ठीक है? On what basis is the chemical equation balanced? हम chemical equation को क्यों balance करते हैं? Yes, Chetan. हाँ जी बेटा, हम जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, हम LHS और RHS को हमेशा बैलेंस करके चलते हैं. मैंने आपको एक लॉ दिया था. द लॉ वाज क्या था वो लॉ बेटा? यस, भूल गए. द लॉ वाज LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, हमने इसको LCM बना दिया, राइट right? तो इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, सो हमारा कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास. यस, ठीक है बेटा. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट? यस बेटा, क्या होता है जब क्विक लाइम इज CaO, उसको जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या होता है? यस, हीट इज लिबरेटेड. ठीक है, हीट इज जनरेटेड. तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो जो पानी होगा वो थोड़ा सा कोसा हो जाएगा और बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, राइट? मतलब हीट जो है वो रिलीज होती है, राइट? सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके बेटा, नेक्स्ट. यस मैम. ओके बेटा, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? जब आप मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना होता है एयर में, तो व्हाई वी क्लीन दैट मैग्नीशियम रिबन? देखो बेटा, जो मैग्नीशियम है इट इज क्वाइट रिएक्टिव सब्सटेंस, बहुत रिएक्टिव होता है. तो वो क्या करता है, जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ ही रिएक्ट करके ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. वो लेयर उस रिबन के ऊपर चिपक जाते हैं. अगर आप उसके बाद उसको जलाओगे तो वो नहीं बर्न करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर है. तो उस लेयर को पहले हमें क्लीन करना पड़ता है. यस, टू क्लीन अप द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट वो आपका जो है वो जलेगा तभी. ठीक है, क्लीन द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फाउंड ऑन मैग्नीशियम रिबन. ठीक है बेटा, ओके. इन केस आपको ये लगता है, जैसे आप आंसर्स इसके फ्रेम करोगे, कोई आंसर नहीं पता लग रहा कि इसको कैसे लिखना है, क्या है, वो तभी आप पूछ पाओगे ना जब उसको अटेम्प्ट करोगे. ओके, चलो. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपने सिर्फ मुझे ट्रू या फॉल्स बताना है. अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजिली बाय ऑल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. क्या हम इक्वेशन को बैलेंस मतलब करने का आसान तरीका है, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही चेंज कर दो? क्या ऐसा होता है? डू वी चेंज द फॉर्मूला? अगर आपने H2O लिखा है तो क्या हम उसको H2O2 बना देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना. वी डोंट डू बैलेंसिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यस, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस केमिकल इक्वेशन? अब आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, Mg plus O will give me MgO. This equation cannot be written as like this because
एक सिंगल ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट इज वेरी 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 अनस्टेबल। आपको अगर याद हो बेटा, ऑक्सीजन की जो एटोमिसिटी होती है दैट इज टू, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, राइट? सो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे करेक्ट रिएक्शन लिख रही हूँ, Mg प्लस O2, ठीक है, इट विल गिव मी Mg। अब ये बताओ क्या ये रिएक्शन ठीक है, बैलेंस है? नो, इट इज नॉट बैलेंस, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी है ऑक्सीजन दो, हमारे पास दो ऑक्सीजन है, राइट? लेकिन अगर आप राइट साइड देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिंगल, तो हम इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, ऑक्सीजन नंबर हो गए, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, 2 मैग्नीशियम विल कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन। यस, AQ का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस है या वो कंपाउंड है दैट इज डिसॉल्वड इन वाटर, ठीक है, वो क्या है, इट इज डिसॉल्वड इन वाटर में वो डिसॉल्व है। यस, क्लियर बेटा? हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे कोई पाउडर था ना उसके आगे हम लिख देते हैं एक बार कि वो पानी में उसको डिसॉल्व किया हुआ है। नाउ बाय एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा जो रिएक्शन हीट उसको चाहिए होती है, राइट? हीट इज प्रोवाइडेड, पहले हीट प्रोवाइड करते हैं फिर रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस में भी तो ऐसा ही होता है ना, हम लाइट एनर्जी को पहले प्लांट लेता है उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? सो हम इसमें लिख सकते हैं बेटा इन फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज लाइट एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है इट इज अ रॉ मटेरियल इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता। ओके, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक बेटा? अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी सारी आपको इक्वेशंस नहीं गिवन है, इतनी सारी बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे करने का ये फायदा हो जाएगा कि आप बाद में उसको कर सकते हो बिना देखे, राइट? नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे, देखो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट इज H2S, ओके? इन एयर का मतलब होता है यू हैव टू टेक ऑक्सीजन, ओके? क्लियर बेटा? O2, यस, एंड व्हेन दिस विल रिएक्ट इट विल फॉर्म वाटर, ओके, प्लस SO2। मैम आप इनका PDF भेजोगे जो आपको? बेटा मैं आपको PDF भेजूंगी, लेकिन जब ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी, ये ना हाफ PDF नहीं जाती है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी ना बिल्कुल एंड तक, तब तक मैं इसको सेंड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो वो फिर आपको, आई थिंक हमारे को 2 क्लासेस तो लगेंगी इसको करने में आज, लेकिन मैं आपको रेस्पिरेशन की जरूर सेंड कर दूंगी बेटा PDF, ठीक है? वो कंप्लीट हो चुकी है, वो मैं आपको भेज दूंगी, ओके? अब बेटा देखो ये आपकी क्या बन गया बेटा, H2S प्लस O2, इट इज गिविंग मी वॉटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बेटा अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाऊंगी, आपने वो सारी रिएक्शंस फिर आगे उसको बैलेंस करके देखना है। देखो बेटा सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन द एलिमेंट्स, जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोनों साइड, हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एच है, एस है, ओ है, ठीक? फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड, एक सेकेंड, यस, नाउ आई विल राइट डाउन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट साइड, ओके? अब तनीषा बेटा रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट, आपने एटम्स भी बताने होगा, यस, कितने हैं बेटा? रिएक्टेंट साइड इज ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यस बेटा, वी हैव 2 हाइड्रोजन, 2 एटम्स हैं, यस, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट साइड पे सल्फर कितने हैं, 1, प्रोडक्ट साइड में 1, यस, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो है 2 और में है 1 प्लस 2,
क्योंकि आपने किसको बैलेंस कर, हमारे सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें बैलेंस है, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो ये वन है इसको हमने इवन में लेके आना। अब कैसे करें उसको देखते हैं। इवन में कैसे में? हाँ जी, अब अगर सपोज मैं इस ऑक्सीजन को, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू के साथ, कंपाउंड में है ये मल्टीप्लाई, अब मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस पर, अब इसको मैंने कर लिया ये, लेकिन जब इसको मैंने टू मल्टीप्लाई किया तो आप रिएक्शन में देखो बेटा ये H2S है, तो मुझे इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे हमने अब इस एस मल्टीप्लाई कितने यहाँ पे फोर, यस मैं छोटा सा लिख देती हूँ ताकि जब आप दोबारा देखो तो आपको समझ में, साइड में भी सल्फर है टू, प्लस दिस इज हाउ यू बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमेशा करनी है, डोंट ट्राई फॉर पेन, क्या होता है हमेशा कंफ्यूजन, और ये जो मैंने बनाया इसको हमेशा पेन से बनाना, डोंट ट्राई इट विद पेन, ओके। फिर आप मैम उसको बार बार, हाँ जी हाँ जी बोलो मैम, आपने यहाँ पे टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, किसको टू से किया मैम, जैसे आपने टू को टू से किया, टू को वन किया, बेटा वो आपको देखना पड़ता है ना, समटाइम्स क्या होता है थ्री से करना पड़ता है, पर आप मिनिमम लेके चलते हो ना, जब आप किसी नंबर को डिवाइड भी करते हो सपोज करो तो ये करते हैं ना, मिनिमम नंबर लेके चलते हैं, सपोज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो वी स्टार्ट विद टू। अब इस केस में मुझे उसको इवन बनाना था, ऑड में तो कभी भी बैलेंसिंग होगी ही नहीं बेटा, है ना, ऑड में या तो दोनों तरफ ऑड, यहाँ पे ये इवन के केस में जिस मर्जी नंबर को टू से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा, यही होता है ना मैथ्स का सिंपल सा रूल है तो। लेकिन अगर आप दूसरी साइड जाते हो वहां पे आपके पास थ्री एटम्स हैं, तो पहले तो थ्री एटम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नीड टू ब्रिंग दैट इनटू इवन स्टेट, वो तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे। अब एक बार आप नेक्स्ट इक्वेशन को ट्राई करो सो दैट मुझे पता लगे कि आपको समझ में भी आया या नहीं आया, ठीक है। नाउ आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर वो आप मुझे करके दिखाओ। फॉस्फरस बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, अब फॉस्फरस जो है पी फोर प्लस ओ टू, आप इसको बैलेंस करो, मैम पी फोर, हाँ जी, प्लस ओ टू टेन, ओके टेन कैसे लिखोगे बेटा, ठीक है आपका आइडिया ठीक है बिल्कुल, आपने यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारा P जो है वो बराबर आ गया, राइट ऐसे ही किया आपने, लेकिन 2 5 10 होता है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं ओनली 2, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीजन विद 5, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फरस विल कंबाइन विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ P2O5। अब आप देख लो रिएक्टेंट साइड पे आपके फॉस्फरस कितने हैं बेटा 4, राइट, और रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड पे फॉस्फरस कितने हैं, यस ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 10, और आपके प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितने हैं 10, यस क्लियर। आई होप आपने टेबल ऐसे ही बनाया है बेटे, टेबल जरूर ऐसे ही बनाना, तुम्हें हर इक्वेशन की आपने बैलेंसिंग इसी तरह करनी है, फिर अपने आप आ जाती है बेटा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फिर आपको लगेगा ये बहुत इजी है। चलो अब ट्राई फॉर द नेक्स्ट, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सो CS2 प्लस O2 विल गिव मी CO2 प्लस SO2, यस चलो ट्राई करो, हाँ जी बताइए, यस मैंने फोर्थ वाला कर लिया, अच्छा ये हो जाएगा CS2, फोर्थ वाले में तो कुछ करना ही नहीं था, करना है कुछ करना है, क्यों नहीं करना, बैलेंस तो करना ही है, राइट इसमें क्या है, CS2 प्लस 3O2 विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2SO2। अब देखो बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हाउ विल आई कंपेयर,
रिएक्टेंट साइड पे कार्बन जो है दैट इज वन, ठीक है, सल्फर इज टू, ऑक्सीजन इज सिक्स. ओके, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पे. प्रोडक्ट साइड पे कार्बन इज वन, यस इट इज ओके, देन सल्फर इज टू, यस दैट इज ऑल्सो ओके, एंड देन ऑक्सीजन इज फोर प्लस टू. कितना आता है फोर प्लस टू? सिक्स. सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, तो आपने कर लिया नेक्स्ट इक्वेशन, तो फिर बताना मुझे क्या किया है. राइट, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. यस बताओ बेटा. Al2. हाँ जी, इसको बेटा Al2 नहीं बोलेंगे, 2Al बोलेंगे. Al2 का मतलब क्या है कि आपने उसके एक एटम में, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स इंक्लूड कर दिए. राइट, इट विल बी 2Al. यस एंड 2Fe. अब अगर हम इसमें देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा बेटा, Al जो है दैट इज 2. ओके, Fe2 एंड O है हमारा 3. यस, अब प्रोडक्ट साइड पे आ जाते हैं. Al कितना है बेटा? इट इज 2 कंफर्म, Fe2 कंफर्म एंड O इज 3. सो दैट मींस दिस इज बैलेंस्ड. ओके, नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड. इसमें देखो कुछ करना है आपने, बैलेंसिंग या ऑलरेडी बैलेंस्ड है? एक बार ही गो थ्रू हो इस रिएक्शन के, देख लेते हैं. Ba सिंगल Ba, Cl2 Cl2, जिंक सल्फेट सल्फेट, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज देयर इन द एप्रोप्रिएट अमाउंट, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ओके, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है.